आज जो अंदर ऊपर जा रहे हैं इससे उनको नहीं पच रहा है और निश्चित रूप से आज उनके व्यक्तिगत द्वेष के कारण इनको गिराया गया है सरकार को। और आज हेमंत सोरेन का जेल जाना यहाँ आदिवासियों के प्रति एक कुशासन का एक बहुत बड़ा द्योतक है। अध्यक्ष महोदय, कैसे एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया और वो अस्थिर करने के बाद जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें जब वो अपनी बातें कहने को आए तो आप उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देख लीजिए कि जब वो सरकार की उपलब्धि को बोलते थे तो बहुत ही कटाक्ष करते हुए उनके उनकी उनकी आवाज थी और भाषा थी कि वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उससे वो सहमत नहीं है। इस तरह का आचरण मुझे लगता है कि देश के आज तक के इतिहास में किसी राज्यपाल के द्वारा नहीं किया गया। जब राजभवन की भूमिका संदिग्ध हो जाए तो वैसी स्थिति में राजभवन को भी उन सवालों का सामना करना पड़ेगा। यह लोकतंत्र है, यह राजतंत्र नहीं है कि जहां राजभवन की गलत भूमिका के ऊपर सवाल न खड़े हों। और ये प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत निश्चित रूप से अपने असंतोष को महामहिम राज्यपाल के समक्ष व्यक्त कर रही थी। यह वो व्यवस्था है जिसमें आपने राजभवन की शुचिता, राजभवन की संवैधानिकता को तार तार किया है। बाबा नगरी गए महोदय, राहुल गांधी जी बाबा नगरी गए, बैद्यनाथ धाम गए, लेकिन इन लोगों ने महोदय देखिए महोदय एक बार भी इन लोग महोदय धन्यवाद नहीं दिया। ठीक है राहुल जी का कार्यक्रम क्या है नहीं महोदय, लेकिन महोदय याद रखिए कल गए थे हम लोग मैदान में, राहुल जी ने साफ साफ कहा कि अगर सरना धर्म कोड भाजपा लागू नहीं करेगी तो हर हाल में कांग्रेस पार्टी करेगी। ये राहुल गांधी आप क्या बात करते हैं, आप प्रधानमंत्री आते हैं महोदय, खुटी गए थे वहां 15 तारीख को गए थे, 17 तारीख को इलेक्शन था छत्तीसगढ़ में महोदय, हम लोग को लगा कि नहीं प्रधानमंत्री आए हैं बड़ा दिल दिखाएंगे आदिवासी को सम्मान देंगे। महोदय वो आदिवासी महोदय जो हमारे दिलों में बसता है महोदय आज भी जूझ रहा है, अपने अधिकार के लिए जूझ रहा है, अपनी मान्यता के लिए जूझ रहा है महोदय, उसको अधिकार कौन देगा महोदय मैं जानना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नहीं दे सके आज महोदय, राहुल गांधी जी कल का देखिए महोदय, कल राहुल गांधी जी ने एक आदिवासी महोदय जो अपना खून पसीना बहाकर साइकिल चला रहा था महोदय, कोयला लेके जा रहा था महोदय, और महोदय उस आदिवासी को इन लोगों ने चोर कहा महोदय। ये भाजपा का संस्कार है महोदय, जो देश का मालिक है, जो राज्य का मालिक है, जो कोयला का मालिक है महोदय, जल जंगल जमीन जिसके मालिक है उसको चोर बोलता है ये लोग महोदय, शर्म आता है मुझे महोदय। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ महोदय, राहुल गांधी जी ने उसको पसीना पहुंचा और चोर आप लोगों ने बना दिया। 18 साल भाजपा ने हमारे आदिवासी को, हमारे मूल वासियों को, हमारे दलित को, हमारे अल्पसंख्यक को महोदय चोर बनाने का काम किया महोदय। अल्पसंख्यक को महोदय इन लोगों ने आतंकवाद बना दिया, आदिवासी और दलित को उग्रवाद बनाने का काम इन लोगों ने किया महोदय। क्या बात करेंगे, राहुल गांधी जी पसीना पोंछने का काम कर रहे हैं महोदय। आज अगर राहुल जी उस आदिवासी को कोयला को धक्का दे दिए महोदय, ये लोग पचा नहीं पा रहे महोदय। वाह वाह रे तेरी माया, कहीं धूप तो कहीं छाया, ऐसा नहीं चलने वाला महोदय। हम ये कहना चाहते हैं, समय का वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, रुकिए, समय का वेट कीजिए, हम लोग दिल जीतेंगे महोदय। महोदय दलितों को जंगल में देखना चाहते हैं महोदय और अल्पसंख्यक को जंगल में देखना चाहते हैं महोदय, ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा आदिवासी आगे आए। एक मुख्यमंत्री नौजवान मुख्यमंत्री बना महोदय, क्या गलती किया था बताइए महोदय। आज महोदय बड़ा अफसोस होता है, कल तो आंख से आंसू आ गया महोदय, लोग कहते हैं कि मैं उनका हनुमान हूं महोदय, बात सही है महोदय, मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि महोदय ये राज महोदय आदिवासियों के लिए लिया गया है। ये तानाशाह लोग हैं, ये तानाशाही पर उतर रहे हैं। आजादी के बाद 3 शब्दों को 3D से लिया, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट, आज तीनों की परिभाषा बदल गई। डेवलपमेंट जो पहले जन कल्याण के लिए था आज चंद कॉरपोरेट घराने के लिए हो गया, जो अनेकता में एकता था अब उसे भी ये बदलना चाहते हैं, उस विविधता को भी बदलना चाहते हैं। और अध्यक्ष महोदय सबसे तो लोकतंत्र पर आज खतरा है, और वह लोकतंत्र जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है, जो तानाशाही स्थापित करने का प्रयास है, जिस तरह से उसे कमजोर करने का प्रयास है, अध्यक्ष महोदय बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव हुए, काम करेंगे, उन लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, ये पूरा दुनिया जानती है, सारे लोग इस बात को जान रहे हैं।
कि जो उनकी बातों को मानेंगे उनके साथ स्थितियां अच्छी रहेगा, और जो विपक्ष की भूमिका में होंगे उनकी कमजोरियों को उठाएंगे, ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करने के लिए किसी भी तरीके से उनको कुर्सी से हटाने का ये प्रयास किया जा रहा है। ऐसा कई उदाहरण लोगों ने पेश किया और हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन चूंकि जो वंशवाद का बात पूरे देश में एक नैरेटिव तैयार किया गया, बड़े बड़े पार्टियों को और छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को पूरी तरह से ये कहा गया कि वो लोग वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए भारत देश में वंशवाद की परंपरा को खत्म करने का बात लोग बोलते आए। लेकिन जिस तरीके से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को 4 सालों में उन लोगों तक पहुंचाने का काम किया जहां तक इस राज्य के निर्माण से अभी तक 24 वर्षों में उन समुदायों तक, उन जगहों तक सरकार की किरण नहीं पहुंची थी, और उन्होंने जो फैसला किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत गर्व की बात है। और हम लोग इसको महसूस करते हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में ऊर्जा की कमी आई थी, जिस तरह का नैरेटिव तैयार किया जा रहा था, वो हेमंत सोरेन जी ने ऐसा एक उदाहरण पेश किया, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और हमारे इस दिशुम गुरु के अनुयायी जो कोल्हान के क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक परचम दिया, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना करके माननीय हेमंत सोरेन ने उदाहरण पेश किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वंशवाद पर नहीं, कार्यकर्ताओं पर आधारित है, उन आंदोलनकारियों पर आधारित है जो उस भावना को आंदोलन के समय में देखा था। और मैं पूर्ण विश्वास के कह सकता हूँ कि ये पार्ट टू जरूर है, लेकिन उन कामों को जो गुरुजी ने मार्गदर्शन दिया था कि इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों को सम्मान मिलेगा, उनका हक अधिकार को हम लोग लेंगे, इसकी लड़ाई जो शुरू की गई थी उसको हम लोग निश्चित तौर पर पूरा करने का काम करेंगे। और जो सपना था कि यहाँ के बच्चे जो पढ़े लिखे होंगे वो वीडियो बनेंगे, यहाँ के बच्चे जो पढ़े लिखे होंगे वो दारोगा बनेंगे, यहाँ के बच्चे जो पढ़े लिखे होंगे शिक्षक होंगे, यहाँ के जो मूल निवासी होंगे थर्ड और फोर्थ ग्रेड में भी पूरा उनको आरक्षण मिलेगा, उनको प्राथमिकता मिलेगा, इन कामों को हम लोग पूरी तरह से सरकार के माननीय चंपादा के नेतृत्व में इसको पूरी तरह से हम लोग लागू करने का काम करेंगे। जहां तक नियुक्तियों का सवाल है, स्थानीय नीति का सवाल है, इस बात को भी हम लोग इस सरकार में प्राथमिकता से लेंगे। और यहाँ जो भी बेरोजगार लोग हैं ऐसे लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि बिहार के समय में स्थानीय लोगों को थर्ड और फोर्थ ग्रेड में 100% आरक्षण मिलता था, जो उस राज्य के मूल निवासी हैं उनको पहचान करके ऐसे पदों पर उनको दिया जाता था। लेकिन जब से झारखंड राज्य बना, स्थानीय नीति जो है ना मुद्दा बनते रहा, और यहाँ के मूल निवासियों को नौकरी के हक नहीं मिले, इसके लिए जो है ना बहुत तरह का कुचक्कर चलाया जाता रहा। और अभी हाल में कल परसों की बात है, जो SSC का एग्जाम आया था, जिसको किसी भी कारण से एक षड्यंत्र के तहत ऐसे लोगों के द्वारा उसको जो है ना ऐसा स्थिति बनाया गया जिस कारण से उसको जो है ना कैंसिल करना पड़ा। और माननीय मुख्यमंत्री को हम आभार व्यक्त करते हैं कि कल उन्होंने बुला करके सचिव को आदेश दिया कि इसका इमीडिएट जो है ना जांच हो, और ऐसे जो लोग हैं इस तरह का जो रोजगार को मारने का काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, इन्होंने आदेश दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो हम लोग चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी वाले मामले पर कोई समझौता नहीं करे, जो काम माननीय हेमंत सोरेन ने नहीं पूरा किया उस काम को हम लोग को विश्वास है माननीय चंपा सोरेन जी पूरा करेंगे। और आज थर्ड और फोर्थ ग्रेड में जिला की स्थापना समिति से जो है ना उसकी नियुक्तियां होगी, क्योंकि स्थापना समिति किसी को पनिश करता है, किसी को नियुक्ति का चिट्ठी देता है, उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है, पुरानी जो परंपरा है बिहार के समय में, क्योंकि जब बिहार पुनर्गठन विधेयक आया था उसमें वो सारे चीजें जो बिहार में लागू थी वो झारखंड में प्रिवेल करेंगे, ये चीजें आई है पुनर्गठन विधेयक के हिसाब से। इसलिए उस समय से जब वहां पर स्थापना की माध्यम से नियुक्तियां होती थी थर्ड फोर्थ ग्रेड का, ये सरकार निर्णय लेने की स्थिति में होगी और थर्ड फोर्थ ग्रेड की सभी नियुक्तियां जिला स्थापना से होगी। जो जिला रोस्टर बना होगा वहां पर आरक्षण का रोस्टर होगा, उस आधार पर होगा, कोई किसी तरह का मामला नहीं आएगा, यहाँ के तमाम मूलवासी आदिवासी और यहाँ के मूल निवासियों को जो है नौकरी में हक मिलेगा। और जहां तक लोगों ने माननीय बिरंची जी ने 2-4 बातें इस संबंध में कही कि ऐसे रास्ता आप चलें कहीं जेल के, मतलब कहना चाहिए वे क्या कह रहे हैं कि पिंजड़े में बंद होने वाली स्थिति ना आ जाए, तो मैं कहता हूं कि माननीय चंपादा बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं, रास्ता वही चलेंगे जो सीधा और सपाट होगा, रास्ता वही चलेंगे जो सीधा और सपाट होगा।